इस अस्पताल में अगर स्टाफ की या फिर डॉक्टरों की किसी तरह से लापरवाही पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? लापरवाही इस पर कार्रवाई होगी, कोई लापरवाही करेगा तो। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई कंप्लेन किया नहीं है, अगर कोई कंप्लेन करता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा उचित। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम बक्सर ज़िले के बराहपुर में मौजूद हैं और यहाँ जो प्राथमिक अस्पताल है इसकी सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पे रोगियों का इलाज किया जाता है। हम अंदर चलकर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे कुछ लापरवाहियाँ सामने आई है। इस हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे अन्य बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं जो कि अवैध रूप से चल रहे हैं, और उसमें बहुत सारे मरीज जो कि सरकारी अस्पताल जाने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। आखिर यहाँ की कहीं ना कहीं लापरवाही जो सामने नज़र आती रहती है, और हम उसी पर कुछ डॉक्टर साहब और यहाँ के जो प्रभारी जो हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ के जो आशा होती है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में काम करने का प्रयास करती है। हम इसी बारे में प्रभारी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का कक्ष है, और हम इसमें चिकित्सा पदाधिकारी जो ये प्रभार लिए हुए हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरह से व्यवस्था है, और यहाँ पे जितने भी अवैध रूप से अस्पताल चलाए जा रहे हैं और झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन का काम करते हैं और इस तरह की लापरवाही सामने आते रहती है, जबकि कुछ लोगों द्वारा भी बार बार आवेदन दिया जाता है और उसे आवेदन पर उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसके बारे में हम प्रभारी जी से जानने का प्रयास करेंगे। आइए क्या सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यहाँ के जो जितने भी फर्जी रूप से अस्पताल चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है कि यहाँ बहुत सारे इलीगल क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग एक बार किया औचक निरीक्षक किए थे, करके रिपोर्ट भेजे भी थे, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं इसका। अच्छा, उन लोगों पर कार्रवाई करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो यहाँ से नहीं होगा, वहीं तो सिविल सर्जन पर, हम लोग सिविल सर्जन से मांगा गया था कि कौन कौन हॉस्पिटल अवैध रूप से चल जा रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कौन डॉक्टर है, उसका हम लोग अपना उसका डिटेल भेजे थे कि कौन डॉक्टर है, किसका रजिस्ट्रेशन है, किसका नहीं है। और सुनने में आया है कि यहाँ की जो आशा होती है, इस अस्पताल की जितने भी कार्यरत आशा हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हमको ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है, कहीं अगर कोई लिखित आवेदन मिलेगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आपको लिखित आवेदन और साथ में वीडियो फुटेज, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उस तरह का आपको दिखाने का प्रयास करें, तो क्या उस पर किस तरह से कार्रवाई? हमको कोई लिखित देगा भाई उसको, तब तो हम उसको तभी ना कार्रवाई करेंगे, ऐसे तो कार्रवाई नहीं किया सकता है। और अगर इस अस्पताल में अगर स्टाफ की या फिर डॉक्टरों की किसी तरह से लापरवाही पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? लापरवाही इस पर कार्रवाई होगी, कोई लापरवाही करेगा तो। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई कंप्लेन किया नहीं है, अगर कोई कंप्लेन करता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा उचित जो होगा। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र नाथ है, मैं MD पीडियाट्रिशियन हूँ, एम से सीनियर रेजिडेंट किया है, और यहाँ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर में ज्वाइन किया हूँ पीडियाट्रिशियन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।